फिलहाल हम लोग एक मशरूम फार्म में हैं और हमारे साथ दो किसान भाई हैं। एक छोटा सा सेटअप है जिसमें मशरूम की फार्मिंग कुछ महीनों से कर रहे हैं। तो इनका जर्नी कैसा रहा है और किस तरह से ये मार्केटिंग करते हैं, इनकी तकनीकी समझ क्या है और अभी तक का जो इनका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, वो अगले 3-4-5 मिनट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मानचंद पासवान। ओके, और आपका नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। तो ये जो फार्म है आपका फार्म है और मानचंद जी यहाँ पे केयर करते हैं, केयर टेकर, मतलब तो सारा कुछ काम इन्हीं के जिम्मे होता है। कितना एरिया में आपका फार्म है? लाउडली बोलिए, जोर से बोलिए। 40-50 का है। ओके, और कब से आप कर रहे हैं? हम तो मतलब 25 साल से कर रहे हैं। यहाँ पे कब से कर रहे हैं? यहाँ तो हो गया लगभग 12 साल। 12 साल से अब ये फार्म है। ओके, तो जो ये एसी फार्म देख रहे हैं, आप लोग सालों भर प्रोडक्शन लेते हैं? जी, सालों भर। फिलहाल आप किस मशरूम का प्रोडक्शन ले रहे हैं? बटन। तो क्या कुछ तकनीकी जानकारी होती है, एक मिनट के अंदर आपको बताना है, कैसे आप शुरुआत करते हैं, कब स्पॉन डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कंपोस्ट आप खुद से बनाते हैं या कहीं से खरीदते हैं? तो कंपोस्ट से शुरुआत कीजिए, फिर स्पॉन पे आएंगे और फिर कब प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, एक मिनट के अंदर आपको बताना है। सर, पहले तो 25-26 दिन लगता है मतलब हमको कंपोस्ट बनाने में। उसके बाद जो है कि उसको चिमकी में मतलब पैक किया जाता है, चिमकी में पैक करके फिर इसको भुइयाँ लाते हैं, भुइयाँ ला करके फिर इसको 14-15 दिन छोड़ा जाता है। 14-15 दिन के बाद फिर उसमें केसिंग मिट्टी डलाया जाता है। उसके बाद फिर 15 दिन के बाद 15 या 20 दिन के बाद में फिर मशरूम निकालना स्टार्ट होता है। अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा है? अभी जो आप नौबतपुर, आपको बता दें नौबतपुर है पटना का एक प्रखंड है और वहाँ का एक अमरपुरा गांव, वहाँ पे लोग कर रहे हैं, अभी तक का अनुभव कैसा रहा है आपका? ठीक है। आप बटन मशरूम ही शुरू से करते रहे हैं या ओएस्टर या बाकी नहीं, सारा? ओएस्टर नहीं किया सर, लेकिन नहीं, बटन शुरू से बटन में ही था। ओके, आप लोग इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग यहाँ से मतलब डाला जाता है बस में, बस से फिर दूसरे जगह जाता है पार्टी, जैसे जहाँ मांगेगा वहाँ पहुँच जाता है। मतलब आप पटना भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, नौबतपुर भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं? नहीं, पटना भेजते हैं। क्या कुछ रेट मिलता है आपको? रेट 190 के आसपास में मिलता है, होलसेल रेट। लोकल भेजते हैं तो 200। दो बातें हैं अभी हम लोग बातचीत के दौरान समझे। पहला तो कि बहुत सारे किसान भाई मशरूम का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ट्रेनिंग नहीं लिया, जबकि सरकारी तंत्र पे आप जाके कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप 7 दिन में बकायदा ट्रेनिंग ले सकते हैं प्रॉपर, आप पूरा का पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस समझ सकते हैं और इसका बढ़िया दाम पे आप सेलिंग भी कर सकते हैं अपने इलाके में। कुछ क्वालिटी एडिशन भी करते हैं, मतलब मशरूम का कुछ अचार जैम वगैरह बनाते हैं? बनता अचार उचार सब कुछ बनता है, ठीक ना, लेकिन उनका व्यवस्था अभी मेरे पास में नहीं है। ओके, तो जैसा इन्होंने बताया काफ़ी ठीक ठाक फार्म है, अच्छा फार्म है और प्रोडक्शन भी ठीक ठाक हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, ये मार्केट जाने वाला है और जैसा बताया 200 रुपये केजी बिकता है आपका जी, और नौबतपुर में कैसे बिकता है आपका? 200 रुपये नौबतपुर बेचते हैं, अगर मान लीजिए वो सब आता है तो 200 रुपये किलो देते हैं, उसके बाद होलसेलर रेट 190 के आसपास जाता है। ओके, तो यहाँ से कोई अगर आपके यहाँ से मशरूम लेकर जाता है अपने आपके फार्म पे कोई आता है तो उसको कैसे रेट में देते हैं? 200 रुपये देते हैं। 200 रुपये पर केजी जी। ओके, तो कुल मिला के अच्छा जर्नी है इनका, ठीक ठाक कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई किसान भाई अगर आपके पास आता है तो उसको किस प्रकार से हेल्प करते हैं? देखिए सर, उनका कहना मतलब मेरा कहना है ना कि अच्छा, वो खुद आप पहले तो आप जो भी सीखे आप खुद अनुभव से सीखे हैं जी, आप कहीं से ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया है जी? नहीं, आपको क्योंकि एक ट्रेंड किसान और एक अनुभव से सीखा हुआ किसान में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आप उनको कैसे सिखाते हैं? आपके फार्म पे रख के सिखाते हैं या रख के सिखाया जाएगा? कितना दिन रहना पड़ता है आपको? साल 6 महीना कम से कम। 6 महीना? साल 6 महीने। 6 महीना तो यही अंतर होता है। जो मशरूम का ट्रेनिंग आप 7 दिन में ले सकते हैं, पूरी तरह से मशरूम का प्रोसेसिंग प्लांट तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप बाकी लोगों को भी बढ़िया से नहीं सिखा पाएंगे। तो सबसे पहले आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए कहीं से जाके। अभी ट्रेनिंग चल रहा है पूसा में, चल रहा है दिल्ली में, बहुत सारा यूनिवर्सिटी वहाँ पर चल रहा है। जब आप ट्रेनिंग ले पाएंगे तो आप लोगों को 3-4 दिन सिखा देंगे, उनको 6 महीना रहना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी तक आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपका फार्म में आपसे पूछेगा अभी तक का
जो ये आपका चल रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है, बढ़िया है। मतलब दूसरे लोगों को सलाह दें कि इसमें जो बहुत सारे नौजवान युवा हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल रहा, जॉब का अभाव है, तो उनको क्या आप सलाह दें कि इस सेक्टर में आए, हम आपकी हेल्प करेंगे और आप इसमें अच्छा इनकम कर सकते हैं? आप सलाह देना चाहें कि नहीं देना चाहें? कितना के देते हैं सर? आप लोग को देख के बाकी लोग प्रेरित हुए हैं कि आप लोग को देख के कोई ऐसे लोग हैं 10-20 जो आपके फार्म को देख के अपना फार्म स्टार्ट किए हों आसपास? अच्छा, चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।